कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदाय योजना महासमुंद जिले में प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, जिसके कारण दिव्यांग द्वारा एक साल से उपकरण प्रदाय करने के आवेदन देने के बावजूद उन्हें उपकरण नसीब नहीं हो पा रहे हैं और दिव्यांग कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। सर जिले में है या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं जानते, लेकिन हमारे महासमुंद में प्रॉब्लम ये है कि समाज कल्याण में पर्ची जमा करने जाते हैं, जमा कर लेते हैं, ऊपर से आएगा तब देंगे, ऊपर से आएगा तब देंगे बोलते हैं, और साल भर से ज्यादा हो गया, ऊपर कौन सा ऊपर से आएगा तब देगा ये आज तक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग का एक ही फरियाद है और एक के साथ दो फरियाद है, जैसे कि पहला तो आने जाने की समस्या पहली चीज, दूसरी चीज ये कि हम लोग का आय का साधन, ये दो चीज बहुत बड़ी दिक्कत है हम दिव्यांग लोगों के लिए। काफी जो दिव्यांग हैं उनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए लगभग 128 हैं और पूर्व के जो पेंडिंग जो आवेदन थे वो लगभग 237 लोग हैं, तो उनको अभी खरीदी की प्रोसेस नहीं हुई होगी इस कारण से लटका हुआ होगा, और एलिम्को के द्वारा अभी हम जो है 128 लोग को फ्री में डिवाइसेस उपलब्ध कराएंगे। श्योपुर जिले के विजय